ये केवल चुटकुले नहीं है, ये गांधी जी का दर्शन है, ये उस गरीब का दर्शन है जो एक गरीब देश की बात सोचता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा है, राजा महाराजा वहां सामने बैठे हुए हैं, मदन मोहन मालवीय जी भी वहां पर उपस्थित हैं, एनी बेसेंट भी वहां पर बैठी हुई हैं। राजा महाराजा अपनी ट्रेडिशनल पोशाक में, जिसमें जेवर ही जेवर थे, वो पहन के सामने बैठे हुए हैं। गांधी जी दूसरे दिन वहां पर बुलाए जाते हैं और गांधी जी कहते हैं, राजाओं से ये सरल बात नहीं है, कर्ज चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि आप गरीब देश के राजा हैं, कर्ज चाहिए। राजा उठ के चल दिए, रोज 15 मिनट तक इन पर कटाक्ष करते रहे तो राजा लोग उठकर चल दिए, क्योंकि राजाओं से धन आना था, राजाओं से धरती आनी थी। इसीलिए वहां के जो आयोजक थे वो गांधी जी से नाराज होने लगे। एनी बेसेंट ने तो यहां तक कह दिया, शट अप मिस्टर गांधी। लेकिन गांधी जी नहीं रुके। गांधी जी की ये फिलॉसफी है, अगर देश गरीब है तो यहां का नेता भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ये देश है। ये उनका दर्शन है और स्वच्छता उनका एक दर्शन है, जहां वो ये कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो स्वच्छता एक स्वावलंबी गांव के लिए आवश्यक है। गांधी का दर्शन गांव से शुरू होता है, जिसे वो बेसिक फेडरल यूनिट कहते हैं। और इस देश ने कई मंदियों को इसलिए झेल लिया आसानी से, क्योंकि इस देश की ग्रामीण व्यवस्था सशक्त है, सुचारू है। नहीं तो जो हाल 2006-7-8 में अमेरिका का हुआ था, या जिस वैश्विक मंदी की अभी 4 दिन पहले IMF ने घोषणा की है, वैसी स्थिति भारत की भी होती अगर यहाँ का किसान अन्न आराम से ना उगा रहा होता। यहाँ के लोगों को कुछ भी ना हो, दो चिंताएं नहीं है कि बेसिक ड्रेस मिल जाएगी और बेसिक फूड मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनसे हम इत्तेफाक ना रखें, लेकिन स्वच्छता का ये जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था गांव के लिए, उसके साथ में एक बात उन्होंने जोड़ दी है, और वो कितनी बेहतरीन बात है। गांधी जी ये कहते हैं, आपका टॉयलेट उतना ही स्वच्छ होना चाहिए जितना आपका ड्राइंग रूम होता है। अक्षरशः इसका पालन मत करना, नहीं तो ड्राइंग रूम में टॉयलेट और टॉयलेट में सोफा सेट लगा देंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए, गांधी जी की जो फिलॉसफी है, गांधी जी का जो दर्शन है, वो क्या कह रहा है। क्योंकि सारी बीमारियां, खास तौर से बहनों की सारी बीमारियां, जिसे UTI बोलते हैं, वो सब टॉयलेट की उस सीट से पनपती है। अब इसको गहराई से समझिए, ये जितने इंफेक्शन है यूटी के, ये वहीं से पनपते हैं, जिसको गांधी कहते हैं कि आपका टॉयलेट उतना ही स्वच्छ होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और बात कहते हैं, इस समाज के अंदर समता तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपना टॉयलेट स्वयं साफ नहीं करेंगे। लेकिन हमको उसमें शर्म आती है, पता नहीं क्यों। मैं ये बात कहना चाहता हूं बच्चों से और युवाओं से कि आज ये शर्म की बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात है कि आप अच्छा खाते कमाते हैं और अपने टॉयलेट को रोजाना स्वयं ब्रश घुमा के साफ करते हैं। मन आपका है तो सफाई कोई और क्यों करेगा। और वास्तव में इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मैला ढोने की एक प्रथा थी, आप में जो इस वक्त 50s में होंगे उन्होंने उस प्रथा को देखा होगा। मैला ढोने की प्रथा अमानवीय प्रथा थी। कैसे कोई व्यक्ति किसी का मैला ढो सकता है सर, यह अमानवीय प्रथा थी। और आपको बताऊं, उस प्रथा का ओरिजिन अकबर के समय से हुआ। जिन लोगों ने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, अकबर ने दंड स्वरूप उनके सर पर मैला ढोबाया। दंड स्वरूप था ये। और इस प्रथा को हमने आजादी के बहुत वर्ष बाद तक कंटिन्यू किया।
और फिर हम कहते रहे पढ़े लिखे लोग हैं। गांधी के दर्शन को समझिए, मैं दार्शनिक गांधी की बात कर रहा हूं। गांधी की ये फिलॉसफी समझने की कोशिश की है कि आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी गांधी जी की वर्धा योजना पर बहुत हद तक आधारित है। 1835 में जब मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति दी और इस भारत को तहस नहस करना शुरू किया, जिस चिंतन के साथ उसने शिक्षा नीति दी वह चिंतन कामयाब हुआ, भारत तहस नहस होना शुरू हो गया, उसकी संस्कृति तहस नहस होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद सिर्फ दो लोगों ने आवाज उठाई थी उसकी शिक्षा नीति के विरोध में, एक स्वामी विवेकानंद जी और उसके बाद गांधी जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो क्रिया योजना अपनी बनाई थी, सिस्टर निवेदिता ने उसको पूरा किया, जिनसे 1901 में गांधी जी मिले भी थे। और उसके बाद वर्धा योजना 1935 में गांधी जी लेके आते हैं, वर्धा प्लान जिसे नई तालीम भी बोला जाता है। और ये वो एजुकेशन थी जिसके लिए गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था शरा कर्ज चाहिए था। अगर आपकी भाषा आपकी नहीं है, और गांधी जी की जो शिक्षा योजना है उसके तीन बिंदु बताता हूं, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति और कौशल्य विकास, जिसे स्किल डेवलपमेंट अब हम कहते हैं। 1935 की नई तालीम की पुस्तक पढ़िएगा, उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। तो एक फिलोसोफर के रूप में, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में गांधी जी की कितनी ज्यादा अहमियत है, मैं ये मानता हूं कि दुनिया अहिंसक कभी नहीं रही, महत्वाकांक्षाएं अहिंसा पर भारी पड़ती रही, मैं ये मानता हूं। ये एक सोच है, ये एक प्रैग्मेटिज्म है, इसको मैं मानता हूं, ये व्यवहारवाद है। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य की हमेशा शांति के प्रति प्रयास और खोज तो चलती रहती है। और यहां पर गांधी जी फिर आपको याद आएंगे। आपको क्या लगता है, लोग बड़े आसानी से कह तो देते हैं, मैं आपको दो वाक्य सुनाना चाहता हूं। लोग बड़ी आसानी से कह देते आगा खां महल में गांधी जी ऐश कर रहे थे। आगा खां महल का इतिहास पड़ा है, चर्चिल से आप गांधी नहीं समझ सकते। चर्चिल एक अजीब और गरीब दिमाग की शख्सियत थी, उसके बारे में मैं फिर बड़ी डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा। चर्चिल गांधी नहीं समझा सकता। चर्चिल एक बेहद वहमी और शक्य किस्म का व्यक्ति था। जब गांधी जी किस दिन का वहां पर आमरण अनशन कर रहे थे, उपवास उन्होंने घोषित किया था, 9 दिन के उपवास में जान निकल जाती है जो नवरात्र के होते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले और 9वें दिन के उपवास रखकर दुर्गा जी को प्रसन्न मान लेते हैं। 21 दिन के उस उपवास में 3रे दिन से ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी, और 10वें 11वें दिन तक आते आते वह और उनकी गीता, यही दो चीजें रह गई थी, लोगों से मिलना कम कर दिया था, लेकिन सरवाइव कर रहे थे। तो जब वो सरवाइव कर रहे थे तो चर्चिल बार बार लिनलिथगो को फोन करके कहता था, पूछता था कि गांधी जी के पानी में कहीं ग्लूकोज तो नहीं मिला देते हैं चोरी से। लिनलिथगो जो उस वक्त भारत का प्रमुख ओहदेदार था, वो कह रहा है कि मैं खुद देख रहा हूं, उनके जो डॉक्टर है वो खुद देख रहे हैं, गांधी जी केवल जल पी रहे हैं, उसमें कोई ग्लूकोज नहीं मिला हुआ है। लेकिन चर्चिल को विश्वास नहीं होता था। अगर आप चर्चिल को पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि वहां से लेकर यरोदा जेल तक गांधी जी ने पानी में ग्लूकोज मिलाकर पिया। लेकिन यदि आप लिनलिथगो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी ने सिर्फ जल पर आमरण अनशन किया था, और जब उनके प्राण निकलने को हो गए थे, उन्हें पानी देखते ही उबकाई आनी शुरू हो गई थी, पानी देखा ही नहीं जा रहा था, और उनके वहीं से लंग्स और पसलियों में इन्फेक्शन हुआ। चीजें जैसी दिखती हैं या बताई जाती हैं, जब तक इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे तब तक सच्चाई हमें पता नहीं चलेगी। दंडी मार्च के लिए नमक का कानून तोड़ना जरूरी था, क्योंकि 2400% का टैक्स था उसके ऊपर, और यदि वो कानून नहीं टूटता तो अंग्रेज की सत्ता को चुनौती नहीं मिलती।
गांधी जी के लिए घोड़ा किया गया, घोड़े से घोड़े पर उनको बैठना था। गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में कोई सामान नहीं है तो 24 किलोमीटर तो मेरे लिए चलना है बाएं हाथ का खेल है। 24 किलोमीटर रोज चला जाता था दांडी मार्च में, 79% उसमें उन्होंने चुने थे। और जब सामने पुलिस आती है ना, आप में से कई लोग अनुभवी हो शायद, जब सामने पुलिस आती है और पुलिस के हाथ में जिस वक्त लट होता है, उस वक्त चलते रहना जैसे कोई है ही नहीं, पिटना सब